सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल चौधरी और आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सीरियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ओके, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ पबजी की, जिनको यूज़ करके आप आराम से एक प्रो प्लेयर बन सकते हो। और ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी कहीं तक भी पुश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एस पे पुश करना है, क्राउन पे पुश करना है या कॉन्करर पे पुश करना हो, कहीं भी आपको जाना हो, ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी। और जब आप क्राउन और कॉन्करर पहुँच जाओगे तो आप याद करोगे एक जाट टेक्स भाई था जिसने हमको ये ट्रिक्स बताई थी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहूँगा और आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि यार, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको टिप्स ट्रिक्स और यूसी ग्लिचेस और पबजी हैक से रिलेटेड वीडियोस देता रहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। और जो दूसरी बात है वो ये कि पूरी वीडियो के अंदर बीच बीच में कार्ड्स ऊपर आते रहेंगे वीडियो में, और वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने ग्लिचेस की, पबजी हैक की और पबजी के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो बनाई हैं, तो उनको भी आप देख पाओगे और वीडियो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइस, अब चल लेते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस, फर्स्ट ट्रिक के अंदर हम आ जाते हैं पहले हमारे जो ये मैप होता है जिसको हम बोलते हैं चीयर पार्क। तो उसके अंदर आने के बाद हम पहले खोल लेते हैं मैप। आप देख सकते हैं मैं किस जगह खड़ा हूँ। अगर आपको पता होगा कि रिलोड में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जाता है, और खासकर अगर वो बंदूक हो M249 या DP28, तो गाइस हम चला लेते हैं गोली और मैं आपको बताऊँगा रिलोड टाइम कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं अगर मेरी एम्प्टी हो जाएगी पूरी मैगजीन तो मेरे को लगते हैं 2.2 सेकंड्स, पर अगर मेरी मैगजीन एम्प्टी नहीं होती तो मेरे को कुछ कम टाइम लगता है। तो हम उसको एनालाइज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना कम टाइम हमें लगता है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरी मैगजीन में एक ही गोली बची है। अब अगर मैं उसको करता हूँ रिलोड तो मेरे को लगते हैं 1.8 सेकंड, पर यही फ़र्क काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर आप यूज़ करते हैं M249 या DP28। तो गाइस, ये वीडियो उसके अंदर ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब चल लेते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो गाइस, सेकंड ट्रिक की तरफ, अगर आप किसी घर के पीछे खड़े हैं और कुछ कर रहे हैं और साइड में से कुछ बंदे आ जाते हैं और आपकी हेल्थ हो गई है कम, तो वो आपको मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आपको हेल्थ रिवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो सामने से आप पे पुश भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में ले लेनी है एक मोलोटोफ। मैं जल्दी से ले लेता हूँ, और आपको मोलोटोफ फेंक देनी है दोनों तरफ से। तो इससे आपके पास कोई भी एग्जिट लोकेशन नहीं होगी और वो आपको पुश नहीं कर पाएंगे, और इसी टाइम में आप आराम से अपनी हेल्थ जो है रिवाइव कर सकते हैं और सबको नक्की दे सकते हैं। तो गाइस, सबको नॉकआउट करने के बाद आप बन जाएंगे एक प्रो प्लेयर। तो गाइस, ये वाली जो ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपका एक गेम चल रहा है जो कि इंटेंस गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं अपने भाई जाट टेक्स की वीडियोस, तो गाइस ये वाली ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ऊपर कार्ड आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पुरानी ट्रिक जरूर देखना। सो गाइस, अब चल लेते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की तरफ। तो गाइस, थर्ड ट्रिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप किसी घर के अंदर होल्ड करे हुए हो, मतलब वेट कर रहे हो कि एनिमीज लड़ रहे हैं, पर इसी टाइम पे आपको किसी एनिमी ने देख लिया है, तो गाइस आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अपना नेड लेना है और उसकी पिन खींचनी है। जैसे ही आप पिन खींचोगे आपके एनिमी को उसकी आवाज़ आएगी और उसे लगेगा कि आप उस पर नेड करने वाले हो, तो वो पागलों की तरह आपके ओर पुश कर देगा, पर आप एक्चुअल में नेड नहीं कर रहे हो, आप उसकी तरफ ही एम लेके बैठे हुए हो। और जैसे ही वो आपके ऊपर पुश करे आपको सीधा उसे मार गिराना है, क्योंकि आपका तो बिल्कुल भी स्कोप उसकी तरफ ही होगा। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तब चले थे हमारी फोर्थ ट्रिक की तरफ। तो गाइस, फोर्थ ट्रिक के अंदर फॉर एग्जांपल आप हम यहाँ पे चेयर पार्क में, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ एक क्विक मैच जो होता है वो स्टार्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि क्विक मैच कैसे स्टार्ट करते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि क्विक मैच किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। नहीं तो मैं डायरेक्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक के ऊपर और आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप पावर्स आओगे आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट करोगे फिर आपको चल लेना है ये जो साइड में आपके ऊपर कूदने वाली चीज़ होती है, ये कूदने वाले जुगाड़ के पास आ जाना है और इसके ऊपर बैठ जाना है, और अपने सामने वाले एनिमी को जो आपका फ्रेंड ही है उससे कहना है कि भाई गोली चला। और जैसे ही वो आपको ठेल देगा आपके पास एक नए तरीके के कपड़े जो हैं आ जाएंगे। अब देख सकते हैं आप मेरे पास जो है नई ड्रेस आ चुकी है। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है और आपको नई नई ड्रेस जो है देखने को मिलेगी। भले आपके पास एक बूट सड़े गले कपड़े हों तब भी आपके पास एक मस्त वाली ड्रेस जो है आ जाएगी। और अगर ऐसे टाइम पर आप एक मैच स्टार्ट करते हो तो आपके कपड़े आपके मैच में साथ में जाएंगे। सो गाइस, अब चले जाते हैं हमारी फिफ्थ ट्रिक की तरफ। तो गाइस, फिफ्थ ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पीछे से आ रहा है जोन और सामने से आपके एनिमीज, आपको ऐसे टाइम पे हेल्थ भी रिवाइव करनी है अगर आपकी हेल्थ कम है, और आपको पता है कि अगर आपने हेल्थ नहीं रिवाइव की तो आपकी जोन जो है आपको मार देगा। तो आपको क्या करना है, आपको भागना है और अपना प्रोन और जो आपकी हेल्थ लगाने वाली जो बटन होता है उसको एक साथ दबाना है। फिर वो चाहे बैंडेज हो, हीलिंग हो या फिर आपका कोई जूस हो, कुछ भी हो, एक साथ अगर आप दबाओगे तो आपकी भागने की स्पीड जो है कुछ हद तक बढ़ जाएगी, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ऐसे टाइम पे। तो गाइस, अगर ये वाली ट्रिक भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबा लेना। और मेरी पुरानी वीडियोज़ देखने के लिए ऊपर आ रही होंगी टैग्स में वीडियो, उनको जरूर देखना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं मेरी किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।